इसमें लिखेंगे मेल, मेल पर टिक लगाएंगे, मैं बता रहा हूं संधि का अर्थ क्या है, मेल। संधि के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तीन, तीन पे टिक लगाओ। जब एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाए तो उन दोनों के मेल को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। जब समान जाति के स्वरों का मेल होता है तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। तो फर्स्ट में मेल आएगा, सेकंड में तीन आएगा और थर्ड में दीर्घ संधि, ठीक है। अब इसके प्रश्न उत्तर, तो बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं है, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। देखिए पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्लियर, दोबारा देख लो, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में आप लिख देना हिम प्लस आलय, हिमालय, ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं, जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। संधि के वर्णों को या शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि, संधि को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे ये संधि है हिमालय, ठीक है, तब इसके टुकड़े करते हैं हिम प्लस आलय, इसे कहेंगे हम संधि विच्छेद। ये है संधि विच्छेद, ये हिमालय तो हो गया संधि और ये हो गया संधि विच्छेद। आगे समझ में, तो संधि को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। और उदाहरण में आप ये दे सकते हैं, पहले हिमालय लिखेंगे फिर बराबर क्या बदलेंगे, हिम प्लस आलय। आगे मेरे पास समझ में, संधि विच्छेद किसे कहेंगे, संधि को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। क्लियर, नेक्स्ट है, संधि के भेद उदाहरण से उदाहरण लिखिए। तो संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप आंसर में लिखेंगे, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग तथा स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तीनों समझा दिए, बुक में से तीनों के एक उदाहरण दे देना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आ गया, आपको संधि के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लिखेंगे संधि के तीन भेद हैं, तीनों के नाम लिखेंगे, तीनों की परिभाषा लिखेंगे और एक एक उदाहरण देंगे, ठीक है। स्वर संधि के भेद लिखिए, तो स्वर संधि के पांच भेद हैं, स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाद संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि, ठीक है। तो आप बुक में से देख लेंगे, इसके पांचों भेदों के नाम लिख देना, क्लियर। चार क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। पहला है, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं, उदाहरण हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, क्लियर। संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, संधि को अलग अलग करना, संधि के शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय लिखना फिर हिम प्लस आलय, तो संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। संधि के भेद उदाहरण से देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और
विसर्ग संधि, तीनों के एक उदाहरण आप लिख देना। स्वर संधि के भेद लिखिए, स्वर संधि के पांच भेद है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाति संधि। ठीक है, चार क्वेश्चन ही हो गए। अब क्वेश्चन नंबर पांच में देखो, संधि कीजिए, संधि करनी है। फर्स्ट है, जिसके पास बुक है वो बुक में लिख लेगा, जिसके पास नहीं है वो कॉपी में कर लेगा। परम प्लस अणु, ये मिलके बनता है बच्चों परमाणु। परम प्लस अणु परमाणु। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। महा प्लस उर्मी महा प्लस उर्मी महोर्मी। पो प्लस अन पवन। पो प्लस अन पवन। नो प्लस इक नाविक। नो प्लस इक नाविक। रेखा प्लस अंश रेखांश। रेखा प्लस अंश रेखांश। मत प्लस एक मतक्य। मत प्लस एक मतक्य। इति प्लस आदि इत्यादि। इति प्लस आदि इत्यादि। ने प्लस अन नयन। ने प्लस अन नयन। अनु प्लस एशन अन्वेषण। अनु प्लस एशन अन्वेषण। आगे समझ में, तो आपको चार क्वेश्चन तो ये करने हैं कॉपी में और पांचवा ये संधि करने वाला ये करना है कॉपी में। ठीक है, आपको भी बहाना नहीं होना चाहिए कि बुक नहीं है इसलिए हमने नहीं करा। मैंने क्वेश्चन भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, मैंने संधि करना भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, सब बच्चों को होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा।